सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है, 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी, 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है, 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है, आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। एक और मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंटल अलायंस है, और दूसरी ओर राहुल जी के नेतृत्व में डायनेस्टिक अलायंस है। डेमोक्रेटिक अलायंस, डेवलपमेंटल अलायंस और डायनेस्टिक अलायंस के बीच में देश की जनता को पसंद करना है। मुझे विश्वास है कि एक और मोदी जी देश के और गरीबों के विकास के लिए काम करें, और दूसरी ओर अपने परिवार की चिंता करने वाली पार्टियां है, देश निश्चित रूप से विकास की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और NDA को सिलेक्ट करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। देखिए साहब, इनके राजनीति में उद्देश्य क्या है? मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। मित्रों, इस देश के अंदर 2G 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है, 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी, 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है, 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, ना जी वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हश्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हश्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। तेजस्विता का, परफॉर्मेंस का, विचार का, परिश्रम का और दृष्टि का वहां कोई महत्व नहीं है, वहां केवल और केवल आप कहां जन्मे इसका महत्व है। मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी होती तो एक चाय बेचने वाले का बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लोकतंत्र के अंदर मित्रों, लोकतंत्र के अंदर ये बहुत जरूरी है, सबको समान अवसर मिले, सबके अंदर ईश्वर दत्त शक्तियां जो पड़ी हैं, वो ईश्वर दत्त शक्तियों के आधार पर उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में विद्यमान है और किसी दल में। भाई और बहनों, मोदी जी
एक गरीब परिवार से, गरीब मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने गरीब परिवार से इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने पूरे विश्व में देश को सम्मान दिलाया, गौरव दिलाया, प्रस्थापित। इस देश की राष्ट्रपति एक जनजाति परिवार से आती है, जनजातियों में भी अति पिछड़ी जातियों में से राष्ट्रपति मुर्मू जी आती है। प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब आदिवासी की बेटी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर सभी आदिवासियों का सम्मान। इस देश का उपराष्ट्रपति एक किसान का बेटा, खेत जोतने वाले का बेटा इस देश का उपराष्ट्रपति बना है। मित्रों, मैं खुद कह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बूथ का काम करने वाला एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है। और केवल भारतीय जनता पार्टी में ये सहूलियत उपलब्ध है, क्योंकि हमने हमारी पार्टी को लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर रखा है। मित्रों, ये परिवारवादी पार्टियां जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करती है, वो देश का कल्याण नहीं कर सकती। केवल और केवल राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी ही देश का कल्याण कर सकती है। मित्रों, इस देश में जब से हमारा संविधान बना, हमारे संविधान के अंदर पंथ निरपेक्षता को बहुत बड़ा महत्व दिया गया। और ये देश आज से नहीं, हजारों सालों से पंथ निरपेक्षता के आधार पर, बिन सांप्रदायिकता के आधार पर चलता रहा। राज्य का कभी कोई धर्म नहीं होता है, सबको अपना धर्म मनाने की, मानने की और उसका अनुसरण करने की छुट्टी भी है, मुक्ति भी है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की रचना करने के लिए संविधान की उदात्त भावनाओं में भी विकृति डालकर पंथ निरपेक्षता को तुष्टीकरण की राजनीति से दूषित किया। मित्रों, मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी जिसने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा और एफिडिएट पर नकारा, बाद में उनको एफिडिएट वापिस ले, ट्रिपल तलाक का कानून जो केवल और केवल महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार देने का कानून है, इसका आपने विरोध किया। यूसीसी जो कांग्रेस के समय में ही संविधान निर्माता एक लक्ष्य देश के लिए रख कर गए थे, उत्तराखंड सरकार यूसीसी लाई, कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। मित्रों, धारा 370 जब संविधान बना तब ये तय था कि टेम्पररी का मतलब है उचित समय पर उसको हटा देना, मगर 70 साल तक उचित शब्द समय आया नहीं। धारा 370 के कारण कश्मीर के अंदर अलगाववाद बढ़ा, उग्रवाद बढ़, पाकिस्तान को अंदर पैर रखने की भूमि मिली और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, मगर तुष्टीकरण की राजनीति ने धारा 370 को हटाने नहीं दिया। इस देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज कश्मीर एक नए युग के साथ आगे बढ़ा। PFI पर बैन हमने लगाया, तब भी कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोगों ने टेढ़े मेढ़े बयान किए। दक्षिण भारत की महान परंपरा, तमिलनाडु की महान परंपरा पवित्र सेंगोल को हमने पार्लियामेंट के अंदर बड़ी पवित्रता से प्रस्तावित किया, इसका भी कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने विरोध किया। ये जहां भाजपा विजयी होती है उन राज्यों को गौमूत्र स्टेट कहते हैं, ये लोग संविधान पर पहला अधिकार, देश के खजाने पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है ये मान्यता रखने वाले हैं। मोदी जी का कहना है देश के खजाने पर पहला अधिकार गरीब का है, दलित का है, आदिवासी का है, पिछड़े। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस का सर्टिफिकेट देते हैं,
भगवा आतंकवाद के नाम से पूरे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। और मित्रों, अंतिम चरम सीमा तो तब आ गई जब 550 साल के बाद इस देश में उत्सव का क्षण आया। रामलल्ला का प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे। रामलल्ला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्यास ने कांग्रेसियों को भी निमंत्रण भेजा, मगर उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करना तय माना, इसको ठुकरा दिया। मैं आज यहां से कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं, आपने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा कर केवल ये ऐतिहासिक पल में हिस्सेदार होने से आप नहीं कतराए हैं, आपके देश के महान बनने की प्रक्रिया से अपने आप को दूर कर लिया है। देश की जनता इसको देख भी रही है और याद भी रख रही है। मित्रों, खैर वो आए ना आए, भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण में नहीं मानती है। मैं आज इस महान अधिवेशन के सामने कहना चाहता हूं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में भी बहुमत समाज ने अपनी श्रद्धाओं के निर्वहन के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी है। 75 साल तक हम कानूनी लड़ाई लड़े और संपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हमने राम मंदिर का निर्माण किया। इसका संपूर्ण यश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है।